जिशान कमर के संपर्क में रहा शाहरुख कोतवाली के बहादुरगंज में रहता है। आज कई थानों की फोर्स ने इसको घर से ही हिरासत में ले लिया। एटीएस को सूचना दे दी गई है, हालांकि इस बात की पुष्टि लोकल स्तर पर पुलिस नहीं कर रही है। एटीएस द्वारा पकड़े गए आतंकी जिशान कमर के निशानदेही पर नैनी के दांडी से पोल्ट्री फार्म से आईईडी विस्फोटक बरामद हुआ था, जिसको इलाहाबाद के मुट्ठीगंज निवासी शाहरुख नामक युवक चलाता था। एटीएस और पुलिस को शाहरुख की तलाश है। शाहरुख ने अपना एक वीडियो फेसबुक पर पोस्ट करके बताया कि वो कोतवाली जा रहा सरेंडर करने। पीछे कोतवाली का बोर्ड भी दिख रहा, हालांकि पुलिस ने सरेंडर की बात से इनकार किया है। फेसबुक पर पोस्ट वीडियो में शाहरुख बताता है कि उसका पोल्ट्री फार्म में नुकसान हो गया था और खजूर फेस्टिवल में जिशान से मुलाकात हुई। उसी ने जॉब का ऑफर दिया तो उसके झांसे में आ गया और जिशान ने ही उसको कुछ सामान पोल्ट्री फार्म में रखने को दिया था। उसे नहीं पता था कि इसमें आईईडी बम है। पोल्ट्री फार्म में जो बम मिला है वो हमें नहीं पता था कि उसमें वो है, बम है। मेरी मुलाकात जिशान से हुई खजूर फेस्टिवल पे रमज़ान के पहले। तो दस हम वहाँ वसियाबाद हम आज आते जाते रहते थे, आते जाते रहते, मुलाकात होती रहती थी। मेरा पोल्ट्री फार्म चल नहीं रहा था क्योंकि नुकसान बहुत हो गया था, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो हमने जिशान से कहा और हुमैद भाई भी थे, तो उन लोग से कहा कि हमें जॉब चाहिए कोई। तो इन लोग कानपुर में कोई खजूर का शोरूम खोलने वाले थे, उसके लिए हमसे बोला कि करोगे, तो हमने बोला हाँ। तो कहे नहीं, घर पे नहीं रखो, पोल्ट्री फार्म में रखो, हम एक दो दिन में ले लेंगे। हमने कहा ठीक है। फिर हम उसको सामान को, उन्होंने कहा छूना नहीं, इसको देखना नहीं। तो हमने कहा ठीक है, हमने इतना दिमाग नहीं लगाया कि इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर हम उसको ले गए पोल्ट्री फार्म में रख दिए। ये कोतवाली प्रयागराज ये चौक में है, सरेंडर करने जा रहे हैं। आप लोग से गुजारिश से दुआ कीजिए, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। हमें नहीं पता था कि उस चीज़ में वो होगा, बम होगा, हमें पता होता है।